टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ पेश किया जाता है। इको टूरिज्म नाम की एक NGO ने गेंद्रबाल डिस्ट्रिक्ट के सोनामर्ग इलाके में सफाई की मुहिम शुरू की है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी। इस मुहिम में हिस्सा लेने वालों ने इलाके की सफाई सुथराई में आम शहरियों को भी शिरकत की दावत दी है। आज इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने एक क्लीनिनेस ड्राइव स्टार्ट करी है सोनमर्ग से। ये आखिरी ड्राइव नहीं होगी, ये हमने स्टार्ट करी है सीरीज ऑफ ड्राइव्स। इसके बाद हम गुलमर्ग जा रहे हैं, देन वील हैव इट ऑन पहलगांव, दूधपथरी एंड डिफरेंट डेस्टिनेशंस आल्सो। और ये जो क्लीनिनेस ड्राइव्स है, ये हम सिर्फ महदूद एक क्लीनिनेस ड्राइव में नहीं रख रहे हैं। वी आर हैविंग अ कॉन्फ्रेंस, हम एक मीटिंग रख रहे हैं, एक इंटरेक्शन मीट रखते हैं हर जगह पे, एक जहां पे सब स्टेक होल्डर्स आते हैं उनको हम ब्रीफ करते हैं हाउ वी कैन प्लेज टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सर, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बेसिकली बहुत अच्छा स्टेप है डेवलपमेंट की तरफ। जो हमारा जो एम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द UNDGs, दैट इज UN के जो गोल्स हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको फुलफिल करना। तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि CEO है हमारे इलियास साहब, उन्हें बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बेसिकली हमें तो पब्लिक को पहले अवेयर करना है, तो बेसिकली हम आए हैं यहाँ पे एज एन पार्टिसिपेंट, एज अ रिसर्चर। आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स आर्किटेक्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो हम अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इको टूरिज्म ऑफ कश्मीर, उसकी तरफ से आए हैं यहाँ पे विजिट करने, ताकि लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। और एक हमारा प्रोग्राम है होम स्टे डेवलपमेंट इन सोनमर्ग, तो उस पे भी सस्टेनेबल होम स्टे डेवलपमेंट। आज एक हमारी क्लीनिंग ड्राइव एक थी सर, जिसमें हमारे SGA डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ साहब थे सर, और भी बहुत सारे मेहमान थे सर। तो सर हम बहुत खुश हुए, क्योंकि ये वो एक डेजिनेशन है सर जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म डेजिनेशन के साथ साथ अमरनाथ जी का भी यात्रा, हमारे बड़े जोश व खरोश से लोग यहाँ आते हैं सर। तो यहाँ पे सीजन जो चलता है पीक पे सर, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सर, ये तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब हमने ये क्लीनिंग ड्राइव सर आज शुरू की है यहाँ पे सोनमर्ग में सर, क्योंकि ये रोजाना होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारी ये डेजिनेशन अच्छी रहे सर, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए सर। और हम बिल्कुल शुक्रगुजार है इस चीज का जो इसको करते है, कि क्लीनिंग ड्राइव समीर साहब है सर, तो वो यहाँ पे ये चलाते, ये शुरू किया है सर। तो बस हम ये चाहते हैं कि ये बार बार होता रहे, ये क्लीनिंग हमारी डेजिनेशन साफ रहे सर, ताकि हम यहाँ पे जो दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं सर, फॉरेन से आते हैं या अपने देश से आते हैं सर, वो आता रहे, ताकि हमारा यहाँ रोजगार चले। एक स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको गुलगाम के एक स्पेशल बच्चे की क्रिकेट से लगाव की कहानी दिखाते हैं। ये बच्चा मुस्तकबिल में MS धोनी बनना चाहता है।
पैड या बैट या बॉल ये कौन लाके देता है? घर वाले जी, पापा और मां। पापा पापा लाके देते हैं। वो कहाँ से लाते हैं? दुकान पे मजदूरी करते हैं, उसमें लाते हैं। अच्छा मजदूरी करते हैं और वही हो या पर छोटू? अच्छा मजदूरी करते हैं छोटे, वही लाते हैं। अच्छा तो ये जो पैड या ग्लव्स या आप जूता पहनते हैं तो उसको खुद आपको पहनने में कौन मदद करता है? खुद अपने हाथों से। अपने हाथों से? यस। अच्छा खुद ही लगाते हैं आप? यस। कितना दूर आप खेलने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप पैदल जाते हैं? यस। हाँ कितना शौक रखते हैं आप? बहुत। जम्मू कश्मीर में बच्चियों, लड़कियों और ख्वातीन की खेलों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी सिलसिला में इंटर कॉलेजिएट विमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट कॉलेज विमेन श्रीनगर में खेला गया, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। जहाँ पे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, जहाँ से बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज की टीम आई है और ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है। तो किन किन के मैचेस हो रहे हैं? यहाँ पे गांधरबल, यहाँ पे टंगमग, यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज और डिफरेंट कॉलेजेस से आ रहे हैं और सब गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने के लिए। तो कितना बेनिफिट मिलता है इससे गर्ल्स को? बहुत ज़्यादा बेनिफिट, आगे जाके हमें बहुत सारा काम आता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी अगर हमें बने, अगर हम इसके लिए नेशनल्स के लिए हो गए तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। हमारा वॉलीबॉल मैच है यहाँ पे, तो हम उसी के लिए आए। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं तो हम भी यहाँ पे वॉलीबॉल में हम पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो कितना अच्छा लगा आपको यहाँ? हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ कॉलेज में और यहाँ सपोर्ट्स भी बहुत ही अच्छा है, सब कुछ वेरी वेरी नाइस। खवातीन की खेलों को ही फरोग देने की खातिर नॉर्थ इंडिया जूडो लीग ने जम्मू कश्मीर जूडो एसोसिएशन के साथ मिलकर एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की लड़कियों के साथ नॉर्थ इंडिया की बच्चियों ने भी शिरकत की।
बार यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और बाहर के स्टेट्स भी आए हैं, उन वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत करके यहाँ पे आए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये कंपटीशन हो रहा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, हमारी जो हम मतलब हम अच्छी तरीके से खेल पाते हैं, हमारे घर वाले भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये खेलो ये खेलो, तो बहुत अच्छा होता है। तो बाहर की टीम से आप फाइट किए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, हम लोग भी टक्कर के थे तो टक्कर जब लगती है तो बहुत अच्छा था। ऑर्गेनाइज हो रहा है इस वक्त कंपटीशन वुमेन लीग है जुड़ू में, नॉर्थ इंडिया का अच्छा हो रहा है ये, तो इसमें हम ये जे एंड के जुड़ू एसोसिएशन करा रही है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर वैली में है। कश्मीर वैली में ये ऐसा कंपटीशन जुड़ू में आज तक हुआ नहीं है, ये अभी इनिशिएटिव फर्स्ट लिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है, जिन्होंने ऐसी फैसिलिटी दी है, जो प्रेशराइज करते हैं अपनी एसोसिएशंस को भी कि यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए जितने भी कंपटीशन यहाँ आए होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बच्चे एक तो इन्वॉल्व हो जाएंगे स्पोर्ट्स में, दूसरा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि जब इनको नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन मिलेगा, अगर नॉर्थ जोन लेवल ही है लेकिन फिर भी ये नेशनल लेवल ही कहा जाएगा, ये कॉम्पिटिशन अगर ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन मिलेंगे हमारे बच्चों को तो नेचुरल सी बात है नेशनल कॉम्पिटिशन नेशनल एक्सपोजर मिलता है। और इसे जो लोकल बच्चे जो नेशनल्स में जा नहीं पाते हैं, जो खाली ट्रेनिंग करते हैं, उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है, वो जब आते हैं वो भी जब देखते हैं तो वो भी इस चीज़ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। बाग के नाम से श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सिलसिला में आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये ट्यूलिप शो जो है इट लास्ट फॉर जस्ट वन मंथ 25 to 30 days, लेकिन इसमें जो फील्ड प्रिपरेशन है उस शो को प्रिपेयर करने के लिए ये इट टेक्स होल ईयर राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग से लेके टिल ये जब नया फ्लावर देगा नया शो तब से तब तक हमारा जो मैन पावर है हमारे जो एम्प्लॉयज है लगे होते हैं. तो इट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब और राउंड द ईयर यहाँ पे काम होता है. सून आफ्टर द हार्वेस्ट जैसे हमने हार्वेस्ट मई जून में स्टार्ट करना है तो हार्वेस्टिंग में हमारे 2-2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने से ज़्यादा. तो उसके बाद सून आफ्टर द हार्वेस्ट हमारी लैंड प्रिपरेशन स्टार्ट होती है. लैंड प्रिपरेशन में सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्टराइजेशन वगैरह होती है, उसके बाद आपने बेड्स बनाने हैं, फिर डिज़ाइन्स बनाने हैं, उसके बाद आपने मैन्यूर सैंड वगैरह वो इनकॉर्पोरेट करके सॉइल को बहुत फ्राइबल बनाना है, क्योंकि ट्यूलिप जो है ये एक बल्बस क्रॉप है. तो बल्बस क्रॉप होने की वजह से इसकी जो सॉइल है, सॉइल टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए. जितनी सॉइल अच्छी होगी उतना ब्लूम अच्छा होगा, उतनी नरिशमेंट बल्ब की अच्छी होगी और उतना शो अच्छा होगा. आप चूँकि अभी भी देख रहे हैं मशीनरी लगी हुई है, मैन ऑन वर्क, तो यहाँ डिज़ाइन का काम चल रहा है. बेड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट की हुई है. तो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर गोइंग टू प्लांट ट्यूलिप. पहले इससे पहले जो ये घास वासी घास निकालने के बाद हम ट्रैक्टर लगाए थे, एक बार नहीं कम से कम 10-15 बार लगाते हैं इसको ट्रैक्टर के बाद इसको गोबर भी लगाते हैं, उसके बाद खाद भी लगाते हैं, रेता भी लगाते हैं, फिर ट्रैक्टर उसके बाद लगाते हैं, उसके ट्रैक्टर के बाद और ये जो नालियाँ बनाते हैं उसके बाद बेड बनाते हैं, उसके बाद आता है बल्ब लगाने. मगर जो तैयारी जो शो के लिए तैयारी वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो तो जून में शुरू करते हैं हम. इसलिए हम आज शुक्र अल्लाह की, अल्लाह ने हमको आज साथ दिया, आज हम शुरू किया सीड लगाने की. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कट इसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन.